एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो होने वाली है बेसिकली भारत जो है वो बांग्लादेश को उसने हराया है T20 वर्ल्ड कप में। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी मीडिया का। तो चलते हैं, इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई ऑल इंडियन फ्रेंड्स कि भाई आप लोग फाइनली जीत चुके हैं। और आज मेरा ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा मुझ पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारतीय टीम ये मैच जीत गई है, भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है, बांग्लादेश को शिकस्त दी है। मेरा ख्याल ये साल चढ़ा ही विराट कोहली के लिए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आज भी 64 किया उन्होंने। आई थिंक इंडिया हैड प्लेड रियली वेरी वेल और डिजर्व करते हैं आज जीतना। अब एज अ पाकिस्तानी व्यूवर देखूं तो भाई मैं जिसको कहता हूं ना, पाकिस्तान को अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। तो मैच खत्म हो गया, तो इंडिया मैच जीत गया। और सूर्य कुमार यादव, एक बंदा जाता है दूसरा आ जाता है। आज सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 का बल्लेबाज बन चुका हुआ है रैंकिंग के अंदर। और दूसरा विराट कोहली। और भाई विराट कोहली क्या मैं अब बयान करूं के, मतलब के विराट कोहली तो ऐसा फॉर्म के अंदर आया है, T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर बन चुका हुआ है। और दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वालों आप इंडिया से जीत जाओ, हम आपको आगे पुश करेंगे लेकिन इनको नहीं पता कि ये लोग किससे पंगा ले रहे हैं। इंडिया के जितने भी मैच होंगे, जिस जिस के साथ भी होंगे, जिम्बाब्वे के साथ है, वो सबको टक्कर मार के सबको बाहर फेंकेगा, जैसे आज बांग्लादेश को फेंका गया है जो लोगों ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की हैं दोस्तों, इतने ही बुरी तरीके से मार खाई है उन लोगों ने। KL राहुल इंडिया की तरफ से, आई गेस ही इज गॉट एवरीथिंग इन हिम। देखिए इंडिया जिस तरह ऊपर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ भी कर सकती है। कि उनका एक जो मेन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गैंग चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के सारे उम्मीदों और सपनों को तोड़ते हुए भारत ने यह मैच शानदार तरीके से जीत ली है, जो कि अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप में खेला गया। उसमें भारत ने शानदार वापसी करते हुए बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए और उसमें बल्लेबाजी के अंदर विराट कोहली, KL राहुल और सूर्या ने कमाल का प्रदर्शन किया। और फिर भारत की गेंदबाजी ने जो लास्ट में कहर ढाया, उसमें बांग्लादेश भरभरा के गिर पड़ा। और बांग्लादेश के जो घमंड था कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो कमेंट आया था कि हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं बल्कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर करने, अपसेट करने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल ये सही कहा गया कि छोटी मुंह और बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। और जिसके ऊपर भारत ने बांग्लादेश को हरा करके उसका करारा जवाब दिया है। और इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अरमान फड़फड़ा रहे थे कि शायद बांग्लादेश को पाकिस्तान पुश करेगा, हेल्प करेगा या कहीं सपोर्ट करेगा तो शायद बांग्लादेश इंडिया को हरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान के सारे अरमान टूट गए। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। मेरा ख्याल ये साल चढ़ा ही विराट कोहली के लिए और ये वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए ही कराया गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आज भी 64 किया उन्होंने एंड ही इज़ अ टॉप स्कोरर। आई थिंक 210 या 12 13 14 रन पे इज़ अ टॉप लीडिंग स्कोरर। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है और मुझे ये भी यकीन हो चुका है कि जिस फॉर्म में वो हैं, वो उसको बरकरार रखते हुए आने वाले वक्तों में और भी रन करेंगे। आई थिंक इंडिया हैड प्लेड रियली वेरी वेल और डिजर्व करते हैं आज जीतना। पाकिस्तान इस पर आएंगे, इंडिया आज लूज कर जाए किस तरीके से, ताकि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत सके। बट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच होगा पाकिस्तान का, इसका नबी वन हेल ऑफ अ गेम। और दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वालों आप इंडिया से जीत जाओ, हम आपसे हार जाएंगे, आपको आगे पुश करेंगे लेकिन इनको नहीं पता है कि ये लोग किससे पंगा ले रहे हैं। ग्रुप बी का बेताज बादशाह मैं झुकेगा नहीं साला इंडिया की टीम है। इंडिया के जितने भी मैच होंगे, जिस जिस के साथ भी होंगे, जिम्बाब्वे के साथ है, वो सबको टक्कर मार के सबको बाहर फेंकेगा, जैसे आज बांग्लादेश को फेंका गया है देखिए हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है,
लेकिन बड़ी बात छोटा मुंह दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमें के बांग्लादेश के कैप्टन शकीब उल हसन ने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं, इंडिया को अपसेट करने आए हैं। समझ में नहीं आता कि ये क्यों कहा गया है, उन्होंने ये बात क्यों कही है, बांग्लादेशी कैप्टन ने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है, हमेशा हमने देखा है कि जो जो जिस जिस बंदों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं उनको हमेशा मार खानी पड़ी, लात और जूते खाने पड़े। अगर वो इंडिया की जिद में उन्होंने ये बात की है या इंडिया की टीम को लेकर उन्होंने ये बात की है तो फिर इनको नहीं बोलना चाहिए कि तुम लोगों को बचाने वाला भी इंडिया ही था। फुल सपोर्ट इंडिया की टीम को, बांग्लादेश टीम को ऐसे सबक सिखाना कि पूरी जिंदगी याद रखे। जो जो लोगों ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की हैं दोस्तों, इतने ही बुरी तरीके से मार खाई है उन लोगों ने। अब एज अ पाकिस्तानी व्यूवर देखूं तो भाई मैं जिसको कहता हूं ना पाकिस्तान को अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, तो वैसे भी मैं जिसको कहता हूं अफ्रीका के खिलाफ कोई चांस नजर नहीं आ रहा, तो क्यों है अभी उम्मीद लगानी इस मैच से। तो मैच खत्म हो गया तो इंडिया मैच जीत गया। फिलहाल जिसको कहते हैं साफ सी बात है इंडिया फेवरेट हो गया इस मैच के अंदर, और पाकिस्तान का इसको कहते हैं टाटा बाय बाय वर्ल्ड कप से होने वाला है। ये पाकिस्तान की अपनी गलती है, जिम्बाब्वे से जीत रहा है, नीदरलैंड जब जीत सकती है, जिम्बाब्वे से बांग्लादेश जीत सकती है, पाकिस्तान क्यों नहीं जीत सकता था। बड़ा दुख है, बड़ा जिसको कहते हैं ना शिकवे है, ये टीम डिजर्व ही नहीं करती सेमीफाइनल में जाना। आप देखो उम्मीद लगा के बैठ जाओ जो होना भी नहीं है। रोहित शर्मा के आउट होने के बावजूद कितने ज्यादा उन्होंने रन बना दिए, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं केएल राहुल की आज की इनिंग्स को किस वर्ड में डिस्क्राइब करूं, क्योंकि उसने जो शॉट्स खेली है ना, पहला लेग का छक्का, उसके बाद जो उसने कवर का छक्का मारा था, क्या छक्के उसने मारे। और सूर्य कुमार यादव, एक बंदा जाता है दूसरा आ जाता है, आज सूर्य कुमार यादव नंबर वन T20 का बल्लेबाज बन चुका हुआ है रैंकिंग के अंदर। मुबारक हो जी। पाकिस्तान का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन देख लो जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो नंबर वन बन ही जाता है। फाइनली वर्ल्ड कप की सिचुएशन में आके इस लड़के ने अपने आप को इसको कहते हैं नंबर वन साबित किया, और जचता भी है, नंबर वन नजर आ रहा है। टीम के लिए खेलता, अपने लिए नहीं खेलता, आते साथ ही तेज होने लग जाता, टुक टुक नहीं लगाता। 176 का स्ट्राइक रेट, इतना स्ट्राइक रेट मैंने नहीं किसी का देखा। इसके फायदा क्या होता है, उसकी टीम का फायदा होता है, नंबर वन T20 का बल्लेबाज बन गया। मुबारक हो इंडिया को, क्या जबरदस्त किस्म का प्लेयर लेकर आए हैं, खेला है वर्ल्ड कप के अंदर जाके नंबर वन बन गया, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है एक प्लेयर के लिए। और दूसरा विराट कोहली, और भाई विराट कोहली क्या मैं बयान करूं के, मतलब के विराट कोहली तो ऐसा फॉर्म के अंदर आया है, T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर बन चुका हुआ है। विराट कोहली को तो बस समझ से बाहर है कि कैसे डिफाइन किया जाए। विराट कोहली क्या जबरदस्त किस्म की उसने इनिंग्स खेली है, मजा आ गया विराट कोहली की बल्लेबाजी देखते हुए। इससे पता चलता है कि आप बड़े टूर्नामेंट के कितने अच्छे प्लेयर हैं। आज इसको देखें, आज बड़ी जबरदस्त किस्म की इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस है, अब जो इतने रन बने हैं। लेकिन इसके अंदर मैं तस्कीन अहमद को क्रेडिट दूंगा, उस लड़के ने क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। लेकिन जो इन्होंने शरीफुल इस्लाम को खिलाया था और हसन लड़का, उनका तो जो आपके सामने हाल हुआ आपने देख ही लिया होगा, क्या जबरदस्त। केएल राहुल इंडिया की तरफ से, आई गेस ही इज गॉट एवरीथिंग इन हिम। देखिए वो ऑन दी अप खेलते हैं और इस फॉर्मेट में तो आइडियल है आपको ऑन दी अप खेलना। देखिए इंडिया जिस तरह ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये कुछ भी कर सकती है। कि उनका एक जो मेन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट। 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है, और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है। वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा। और जिस तरह वो उसने विकेट गिरने के बाद टीम को लेके चला है, आई थिंक ये बाकी लोगों को भी इस चीज को देखना चाहिए। विराट कोहली का ये वर्ल्ड कप तो विराट कोहली ने लेके ही रहना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कब तो विराट कोहली के पास जाने वाला है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इंडिया जिस तरह से बेधड़ाधड़ सारे टीमों को धो रहा है ना, सरफ के बगैर धो रहा है, और बड़ा ही मजा आ रहा है भाई मैच देख के। जिस तरह से बांग्लादेश को धोया है भारत ने, और मैं तो भाई भारत तो धो सकता है, हक है। तो अब तो शोएब अख्तर भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि भाई बांग्लादेश से भारत जीत सकता, मतलब कि बांग्लादेश को धोया है। और साउथ अफ्रीका खैर जीत हार गया है पाकिस्तान से, लेकिन इसमें भी भारत का यकीनन फायदा होगा अगर साउथ अफ्रीका हार जीतता है या हारता है। लेकिन जीतता है तो पाकिस्तान से ज्यादा भारत को ही फायदा होने वाला है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया के भाई विराट कोहली
इस साल जो मैच में जो अपनी फॉर्म लेकर आए हैं वापस अमेजिंग है और सबको पता चल गया है, रेड अलर्ट हो गया है कि भाई जो है भारत ने इस बार लेके जाना है वर्ल्ड कप। बाकी जिस तरह से जो लोग पहले आवाज उठा रहे थे कि भाई भारत ये भारत को निकाल देना चाहिए, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली लगता है कि जो है इस साल सारे वो एनर्जी लगता है सारी एनर्जी विराट कोहली में आ गई है। नो डाउट विराट कोहली जो खेल रहे हैं इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं वो वाकई में ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया है, अचानक से ऐसे परफॉर्म करने लग गए हैं और जबरदस्त। वरना लोगों को तो ये लग रहा था कि ये अपनी परफॉर्मेंस से बाहर हो गया है, शायद मुझे लग रहा है कि वो पहले जो है ना वो खेल रहे नहीं थे, वो सिर्फ ऐसे ही जो है ना वो कर रहे थे, लोगों को ये फील करा रहे थे, फिर उन्होंने सरप्राइज दिया, देखो आई एम बैक, डॉन इज बैक, विराट कोहली इज बैक। सो जहां तक मुझे चांसेस लग रहे हैं ना तो भारत का ये फाइनल सेमीफाइनल में भारत आएगा, जरूर आएगा। और बाकी जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस है तो भाई मुझे चांसेस बहुत बहुत दूर लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जीत पाएंगे जो कंडीशन इस वक्त चल रही है। बाकी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग वर्ल्ड कप की तरफ पहुंच पाएंगे, हमारे ये ख्वाब जो है वो ख्वाब ही होंगे, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े तो होते ही है ना, तो बस समझो वही छिछड़े हमारे ख्वाब में आ रहे हैं वर्ल्ड कप के। जिस तरह की परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इसे हम लोग कुछ कर पाएंगे। बाकी देखते हैं, लक की बात भी है, डिपेंड करता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।